इन द टर्नआउट मींस किसी पर्टिकुलर इलेक्शन में कितने परसेंट लोगों ने वोटिंग की, दैट इज टर्नआउट। अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया में 66% टर्नआउट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 66% लोगों ने वोटिंग की, बाकी जो है बाकी घर बैठे रहे, या फिर उन्होंने क्या किया, हॉलीडेज एंजॉय किया, या फिर हाँ, या फिर 18 ईयर से नहीं, हम वोटर्स की बात करें, जो वोटर्स 66% टर्नआउट का मतलब है कि हमारी कंट्री में 66% जो वोटर्स है उन्होंने वोटिंग की और बाकी उन्होंने वोटिंग इग्नोर की। 70 अकॉर्डिंग टू माई बुक इट 70 टर्नआउट। अच्छा, इसमें दो कंट्रीज का ग्राफ के अकॉर्डिंग कंपैरिजन किया गया है। देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका और इंडिया में, हमारी कंट्री इंडिया में टर्नआउट आगे से आगे बढ़ रहा है। बढ़ रहा है का मतलब हमारी कंट्री में लोगों की जो वोटिंग के लिए इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, वो आगे से आगे बढ़ रही है। लेकिन पहले नहीं थी, पहले किसकी थी, नॉर्थ अमेरिका की। लेकिन अब क्या है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की आगे क्या हो रही है, गोन अप का मतलब क्या है कि टर्नआउट बढ़ रही है। टर्नआउट बढ़ना मतलब वोटर्स बढ़ रहे हैं, वोटर्स की जो प्रेफरेंस है या वोटर्स की जो चॉइस है वो आगे से आगे बढ़ रही है, और लोग इलेक्शन में बढ़ चढ़ के वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दैट इज पॉपुलर पार्टिसिपेशन। सेकेंड इज हमारी कंट्री में मेन फैक्ट्स क्या है, रिच की कंपैरिजन में पुअर जो है वो ज्यादा वोटिंग करते हैं, इलिटरेट वोटिंग ज्यादा करते हैं। इलेक्शंस में देखा जाए तो जो हाई स्टेटस हैं या फिर मिडिल इनकम ग्रुप है, उनके कंपैरिजन में पुअर पीपल एंड इलिटरेट जो है वो वोटिंग ज्यादा करते हैं। रीजन क्या, क्योंकि उनको ये लगता है कि एक दिन उनका है और वो क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री का एक फैक्ट है। फैक्ट बताना है हमने कि हमारी कंट्री में एज कम्पेयर टू रिच, पुअर एंड इलिटरेट जो है, ठीक है, दे डू मोर वोटिंग एज कम्पेयर टू हाई स्टेटस। नेक्स्ट है, इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शंस हैव बीन इंक्रीज। हमारी कंट्री में जब इलेक्शंस होते हैं ना, तो एक फेस्टिवल सा बन जाता है। ये तो आप सब बच्चों को पता ही है कि हर तरफ कैंपेनिंग स्टार्ट हो जाती है और हर तरफ पोस्टर्स, रैलीज, तो लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट भी करते हैं, लीडर्स, फॉलोअर्स एंड इवन जो लोग हैं वो भी जो है वो इलेक्शंस में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनकी टीवी या डिबेट एंड डिस्कशन को सुनते हैं। आगे से आगे हमारी कंट्री में इलेक्शन से रिलेटेड लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये भी हमारा कंट्री का एक फैक्ट है। नेक्स्ट इज पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। हमारी कंट्री में इलेक्शन जो है वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ज्यादा प्रेशर बनाते हैं, और जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के लिए फेवरेबल पॉलिसीज ज्यादा बनाएंगे। हमारी कंट्री में आगे से आगे कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि जिसका प्रेशर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज पे पड़ता है, और पॉलिटिकल पार्टीज फिर कहीं ना कहीं आपको कुछ इंसेंटिव देती हैं। रिसेंटली पंजाब में दो मेन इंसेंटिव दिए गए हैं। नंबर वन, रिसेंटली पंजाब में जब सीएम चेंज हुए, अभी रिसेंटली पेट्रोल का प्राइस पंजाब में अपना बैठ, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, एडवांटेज। आपको एडवांटेज है, इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए पार्टीज जो है वो आपको इंसेंटिव दे रही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर अनाउंसमेंट हो जाती, क्या उसके बाद ये करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा ना, तो कोड ऑफ कंडक्ट से पहले अब ये टाइम है जिस टाइम पर में पार्टीज आपको इंसेंटिव दे रही है। करंट गवर्नमेंट, मेजोरिटी गवर्नमेंट जो है वो आपको इम्प्रेस कर रही है ताकि इन फ्यूचर आपको ये आएगा कि सीएम इज वेरी गुड। करने को तो कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन आपको आपके माइंड में किसका नाम आएगा, पार्टी का या जो मेन सीएम है, ठीक है। तो इस तरह का प्रेशर जब होगा तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शंस में कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाती हैं, ये इंसेंटिव अच्छे भी होते हैं, ये इंसेंटिव बुरे भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन। ये भी जस्ट रीडिंग पार्ट है, इसका एज सच लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, मैं सिर्फ आपको रीडिंग के लिए करवा रही हूँ, कई बार सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस, ये भी फैक्ट है। हमारी कंट्री में मोस्टली 5 साल के बाद रूलिंग पार्टी हार ही जाती है। बहुत रेयर है कि लोग इसी गवर्नमेंट को आगे चांस देंगे, बहुत रेयर है कि मेन पंजाब में नेक्स्ट यही पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी का लेटेस्ट जो है वो कौन बना, आम आदमी पार्टी की तरफ से लेटेस्ट उन्होंने सीएम का नेम जो है अभी प्रॉपरली उन्होंने अनाउंस नहीं किया, पर उन्होंने डिसाइड कर लिया कौन सा फेस डिसाइड किया, वो तो कांग्रेस नहीं थी। चलो ये आपका होमवर्क है, कल मुझे बताना।
आम आदमी पार्टी ने अपना फेस डिसाइड कर लिया कि किसको वो सीएम बनाना चाहते हैं। नाम बताना, नाम बताने ना। हाँ जी, इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में मेनली रूलिंग पार्टी जो है वो इलेक्शन में हार जाती है, और लोग जो हैं, जैसे मैंने आपको हरियाणा असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट बताया था, पहले कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस, उसके बाद लोकदल, उसके बाद फिर से कांग्रेस पार्टी, है ना, कि लोग जो है वो हर एक को चांस देते हैं। नेक्स्ट, इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड, यहाँ पे एक और टर्म है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्बेंट? टर्म जो है वो डिफिकल्ट है, इसका बहुत इजी मीनिंग है, प्रेजेंट इन पावर। हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर क्या है? इनकम्बेंट। इनकम्बेंट पीएम है, प्रेजेंट पावर में। हमारी कंट्री, हमारे पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो इनकम्बेंट सीएम है। इनकम्बेंट का मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब जो ऑलरेडी सिटिंग चेयर पे बैठे हैं, ठीक है। इन द यूएस इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूज एन इलेक्शन। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज आर एमएलएज लूज इलेक्शन। हमारी कंट्री में जो 543 एमपीज है, बहुत ही रेयर है कि 5 साल के बाद वो पर्सन दोबारा से एमपी बने। इनकम्बेंट एमपी बहुत कम होते हैं। इसका मतलब क्या है कि लोग क्या करते रहते हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग देयर चॉइसेस, ठीक है। कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑलवेज लूज इलेक्शन। जिस पर्सन ने इलेक्शन में पैसा पानी की तरह बहाया होता है तो मोस्टली वो क्या होते हैं, इलेक्शन में हार जाते हैं, या जिनका क्रिमिनल कनेक्शन होता है वो भी हार जाते हैं। Bearing very few disputed elections, electoral outcomes, people's verdict by the defeated party. इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ही रेयर है कि हमारी कंट्री में इलेक्शन में हार जाने के बाद रॉयट्स हो। इजिली हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी हार को मान लेती हैं। आउटकम का मतलब होता है जो भी लोगों का रिजल्ट है वो उसको मान लेते, क्योंकि उनको पता है कि अगर अब वो रॉयट्स करेंगे, वायलेंट एक्टिविटीज करेंगे तो उनका नेम, उनकी पार्टी का नेम खराब होगा। तो उनके पास वो टाइम होता है ऑपोजिशन बनाने का और लोगों के इश्यूज को आगे कहा जो है वो रूलिंग पार्टी तक पहुंचाने, ठीक है। सो नेक्स्ट है चैलेंजेस, ये भी हमने कर लिए कि नहीं जसप्रीत? नेक्स्ट है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वी हैव डन और नॉट? चैलेंजेस इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, तो ये भी हमने कर लिया हुआ है। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये हमारा सारा हो चुका है, कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद लास्ट आपकी टर्म्स है, ये टर्म्स भी आपको आ सकती है वन मार्क क्वेश्चन या एमसीक्यूज फॉर्म में, तो एक बार टर्म जो है वो देख लो। हाँ जी, धैर्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूथ कैप्चरिंग? टेस्ट में भी था ये, बूथ कैप्चरिंग क्या होती है? हाँ जी, फिर वो जैसे वोट करते हो आप, बूथ कैप्चरिंग का एक एलिमेंट याद रखो, हायर मसल मैन, यानी कि जब भी एक पार्टी या एक लीडर है वो मसल मैन को हायर करता है और पावर और गन के बेसिस के ऊपर पूरा का पूरा बूथ कैप्चर कर लिया जाता है और बोगस या फेक वोटिंग करवाई जाती है, दैट इज कॉल्ड बूथ कैप्चर। हां जी, और उसमें फेक वोटिंग, फेक भी हो सकती है, बोगस भी हो सकती है, फॉल्स, फॉल्स का मतलब है वोटर कार्ड किसी और का, वोटिंग किसी और का, पर रिटर्निंग ऑफिसर कई बार मिल जाते हैं पुलिस के साथ। हां जी, पावर मसल, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी आपको टर्म दी थी मैंने। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? सम रूल्स एंड रेगुलेशन, इतना ही नहीं है, कई बच्चों ने टेस्ट में सिर्फ लिख दिया सम रूल्स एंड रेगुलेशन। कोड ऑफ कंडक्ट मीन सम रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय इलेक्शन कमीशन टू बी फॉलोड बाय पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल बता दो, कई बच्चों ने लिखा था लाइक वोटिंग से टू डेज पहले क्या हो जाता है, कैंपेनिंग बंद हो जाती है, दैट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। सेकंड एक और एग्जाम्पल दे सकते हो, नो बिग पॉलिसी अनाउंसमेंट विल बी गिवन बाय द रूलिंग पार्टी आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शंस। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी, मगन, इलेक्टोरल एरिया अकॉर्डिंग टू सीट्स द सिटी और कंट्री और स्टेट इज डिवाइडेड। For example, if the elections are of Lok Sabha, whole country will be divided according to 543 seats. And how many MPs? कितने होंगे फिर? 543, जितनी seats उतने ही MPs. वो nominated उनके लिए election नहीं होते। 543 total seats 545, constituency कितनी?
543 जतिन आगे आ जाओ। हाँ जी इनकम्बेंट मैंने अभी बताया है, करंट होल्डर, करंट होल्डर शबद। हाँ जी लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है फेयर चांस शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी कैंडिडेट एंड ईच एंड एवरी पार्टी। फेयर चांस का मतलब होता है हर एक के पास क्या होना चाहिए, चांस टू विन एंड लूज द इलेक्शन। लेवल प्लेइंग फील्ड जैसे क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड में क्या होता है पहले एक टीम आती है फिर दूसरी टीम आती है, यानी कि सेम ग्राउंड है। ऐसा तो नहीं होता कि पहली टीम किसी और ग्राउंड में खेलती है दूसरी टीम किसी और ग्राउंड में खेलती है। सेम लेवल, सेम लेवल का मतलब क्या होता है एक ही फील्ड पे दोनों टीम खेलती है। इसी तरह से क्या होता है इलेक्शंस में भी क्या होता है सेम काइंड ऑफ फेयर चांस शुड बी गिवन टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड पार्टीज टू विन द इलेक्शन। दिस इज कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड। टर्म है ये, टर्म मतलब सिंपल इतना याद रखो कि हर एक को जीतने और हारने का समान एक जैसा अवसर मिलता है। नेक्स्ट इज रिगिंग, फ्रॉड, फ्रॉड करना। इलेक्शन में कितने तरह के फ्रॉड हो सकते हैं। माल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है अनफेयर मींस इंडल्ज बाय अ पार्टी और कैंडिडेट टू इंक्रीज द वोट्स। अब रिगिंग का मतलब क्या है, सपोज एक पर्सन जो है वो ईवीएम को खराब कर दे, उसका स्विच ऐसा बनाए कि कहीं बटन प्रेस हो और सिंबल जो है वो किसी और को जाए, दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड रिगिंग। रिगिंग का मतलब क्या होता है कुछ ऐसा करना जिससे कि सीट्स या वोटिंग जो है वो गलत काउंट होती है। इट इंक्लूड्स स्टफिंग बैलेट बॉक्स बाय अ फ्यू पर्सन यूजिंग द वोट्स टू अदर्स, रिकॉर्डिंग मल्टीपल वोट्स बाय अ सेम पर्सन, एक ही पर्सन बार बार ईवीएम प्रेस करता जाए, दैट इज कॉल्ड रिगिंग। लेकिन ये तभी होगा जब रिटर्निंग ऑफिसर एंड पुलिस उनके साथ मिली होगी। वो तो जब रूम में कुछ भी हो रहा है तो सपोज ईवीएम है मेरे सामने, मैंने एक बार बटन प्रेस किया, बीप बजी, मेरा वोट काउंट हो गया, मैंने उसी को फिर से प्रेस कर लिया, मैं वहीं पे ही खड़ी हूँ। कहते तो ये बूथ कैप्चरिंग ही हो गया ना एक तरह से, लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रिगिंग, क्या बोलते हैं इसको रिगिंग, ठीक है। एंड ब्राइबिंग और पोलिंग ऑफिसर्स टू फेवर द कैंडिडेट, ब्राइब करना, ब्राइब करना का मतलब क्या होता है जो रिटर्निंग ऑफिसर है जहाँ पे उसको ब्राइब कर देना और रिटर्निंग ऑफिसर कहे कि हाँ जी जो मर्जी करो मेरे को तो आपने ब्राइब दे दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड रिगिंग, ठीक है। टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब क्या होता है, हाँ जी आ रहे हैं, परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज ऑफ वोटर्स इन अ कंट्री, ठीक है। तो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। नाउ यू हैव टू राइट थ्री क्वेश्चन इन योर नोटबुक, बिकॉज आई थिंक ऑन 16 और 17 योर नोटबुक्स विल बी चेक्ड, ऑल योर सब्जेक्ट नोटबुक्स विल बी चेक्ड बाय द मैम, ठीक है। तो अपनी कॉपी जितनी भी है उनको इंडेक्स करो, प्रॉपर करो, कवर करो प्रॉपर, ठीक है। और इस चैप्टर के जो मैंने आपको वैसे तो बैठे साइड पे क्वेश्चन नहीं है, बट यू हैव टू राइट थ्री क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन, कौन से करने, सेम ही रखना सारे, कि बैकेट साइड पे क्वेश्चन नहीं है इसके। नंबर वन, एक क्वेश्चन आप करो, इलेक्टोरल प्रोसेस स्टेप्स, हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया, हाउ, हाँ हाँ हेडिंग भी लिखने हैं उनको, एक्सप्लेन भी करना, हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया, अनाउंसमेंट से लेकर रिजल्ट तक स्टेप्स हैं ये। सेकंड, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। नंबर वन इसमें क्या होगा, आर्टिकल 324 की प्रोविजन, प्रोटेस्ट में बहुत ही मजबूत लगा था आर्टिकल 324, और उसको सारा एक्सप्लेन करना है कि इलेक्शन कमीशन की क्या क्या पावर है, क्या क्या फंक्शन है, कॉम्पोजिशन कैसे होती है। थर्ड इज प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस, प्रॉब्लम्स मतलब चैलेंजेस, सजेशन मतलब रेमेडीज, प्रॉब्लम्स एंड सजेशंस रिगार्डिंग इलेक्शंस इन इंडिया, प्रॉब्लम्स में आ जाती है चैलेंजेस एंड सजेशंस में आ जाती है रेमेडीज। रेमेडीज मतलब आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए या गवर्नमेंट क्या कर रही है, दोनों को आप मिक्स करके बताओगे। दैट इज अबाउट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बाकी मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए या फिर आपने नोट किए हुए हैं, यू हैव टू राइट दीज थ्री क्वेश्चंस आंसर्स इन योर रफ फेयर नोटबुक। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, दैट इज रशियन रेवोल्यूशन। वी हैव 5 मिनट्स, आई विल इंट्रोड्यूस द चैप्टर, अदरवाइज आई हैव कंप्लीटेड
लेकिन कुछ बच्चे जिन्होंने कहा था कि हां जी वी हैव अटेंडेड ऑनलाइन, तो मैंने चैप्टर वैसे ही करवाने जैसे मैंने फर्स्ट टाइम करवाया था. इफ यू हैव नॉट नोटेड, आपने कॉपी में नहीं नोट किया या आपकी नोटबुक में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो स्टार्टिंग से जैसे मैंने स्टार्ट किया था मैंने वैसे स्टार्ट करवाना. हमेशा जब भी बैठे आप कोई भी हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करते हो ना, उसकी टाइमलाइन याद किया करो. मींस हमारा चैप्टर कहां से लेकर कहां तक कवर करता है, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन, ऑनर रेडी रहना. ये चैप्टर मैंने आपकी हेल्प से कंप्लीट करना है, इसका मतलब है आपने मुझे साथ साथ बताना है, ठीक है, अटेंटिव रहना, जितना मैंने बताना ना उतना आपने मुझे साथ साथ आंसर देना, ठीक है. परनीत, हां जी, रशियन रेवोल्यूशन, रशिया इज इन विच कॉन्टिनेंट, रशिया एक कंट्री है, रशिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, यूरेशिया कहते हैं इसको, यूरोप एंड एशिया का कुछ पार्ट है ये यूरेशिया, ठीक है. रेवोल्यूशन का ईयर, ये रेवोल्यूशन का जो ईयर है दैट इज 1905. रशिया में दो रेवोल्यूशन हुए थे, एक हुआ 1905 में और एक हुआ 1917. बेटा दो रेवोल्यूशन हुए थे, एक हुआ था फरवरी में और सेकेंड हुआ अक्टूबर. डू यू रिमेम्बर? ओके, इनमें से ब्लडी संडे इंसिडेंट कौन सा है वो मुझे याद बताओ. टाइमलाइन के अकॉर्डिंग सबसे पहले 1905 ब्लडी संडे, लेकिन अब हमने ये बताना है कि रशिया का जो रेवोल्यूशन हुआ 1905 में हुआ, लेकिन कौन से ऐसे कॉजेस थे जिसके कारण कंट्री में रेवोल्यूशन हुआ, तो वो हम किस पे पढ़ेंगे, कॉजेस. कॉजेस मींस 1905 से पहले का टाइम.